लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस माह में कांवर यात्रा का विशेष महत्व है। जगह जगह से कांवरिये जल लाकर शिवालय में महादेव को अर्पित करते हैं। इसी कड़ी में कवर्धा जिले से हजारों कांवरिये जल लेने के लिए पदयात्रा कर अमरकंटक जाते हैं और वहां से जल लेकर आते हैं। इसके बाद शिवालय में भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। इस बार भी कवर्धा जिले से कांवरियों ने यात्रा निकाली, लेकिन जिले के गोपालपुर के शिवनी नदी में बन रहे पुल की लेट लतीफी के चलते वे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में 50 से ज्यादा कांवरिये नदी में बाढ़ की स्थिति होने के बाद भी अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पुल निर्माण करने वाले ठेकेदार के धीमी निर्माण कार्य से भी वे काफी आक्रोशित हैं। उल्लेखनीय है कि भारी बारिश के चलते देश के कई इलाकों में मुसीबतें बढ़ गई हैं। लापरवाही और सुस्त निर्माण कार्य के चलते बारिश में कहीं पुल सड़क बह जा रहे हैं, तो वहीं गांव भी टापू में तब्दील हो रहे हैं। हर साल बारिश में कई इलाकों में हाल बेहाल हो जाता है, कई दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जान हथेली पर लेकर कांवरिया नदी पार करने को मजबूर। सिवनी नदी गोपालपुर में बन रहे पुल के कारण डायवर्सन के ऊपर से देख सकते हैं आप, पानी जा रहा है पूरी तरह से, घुटने के ऊपर तक पानी है। फिर भी कांवरिया जान हथेली पर लेकर के नदी पार करने को मजबूर। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।